नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। बाजार में आप दो दिन से भयानक गिरावट देख रहे हो साहब, भयानक गिरावट। और मैं आपसे कह रहा था कि भैया जहां पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है निकल जाओ। जो 20,000 के ऊपर निफ्टी चल रहा था, मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। किसी में भी, सरकारी बैंक हो, कोई भी स्टॉक जो मेरा है, जहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा था वहां पर हम लोगों ने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया। मैं क्यों कह रहा था निकल जाओ, देखिए बाजार में गिरावट स्वाभाविक थी, बाजार को गिरना था साहब, गिरना था बाजार को। अब अटकलें क्या लगाई जा रही हैं, नीफा वायरस आ गया, केरल में नीफा वायरस फैल गया, फेड रेट हाइक ना कर दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन जो मेन कारण है वो FII है साहब। मेरी ख्याल से 35,000 करोड़ के आसपास का माल बेच चुके हैं 2 महीने के अंदर। अब बेचेंगे साहब, बाजार ऊपर ले गए थे वो, इसीलिए मैं कह रहा था आपको 19,200 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है और 19,200 से इन्होंने सपोर्ट लिया और बाजार को ले गए साहब 20,100, 150, 200 तक। माल बेचना शुरू करा ऊपर के लेवल पर, बाजार नीचे। देखो डाटा देखो, मैं व्हाट्सएप पे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए लगाता रहता हूँ, ठीक है। हालांकि नीफा वायरस हो या फेड रेट हाइक्स हो, वो चीज भी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। नीफा वायरस अगर फैल गया तो दिक्कत परेशानी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन FII का रोल मेन रहता है साहब। ये माल लिए बैठे रहते हैं, इन्हें तो बहाना चाहिए, बस बहाना चाहिए। इनके पास माल होता है, अब माल इतना होता है कि साहब यही नहीं पता कि बाजार को कहां कितना वॉल्यूम बनवा दें। निफा वायरस का साहब बहाना लेके, फेड का बहाना लेके पता नहीं कहां ले जाएं। तो FII पर ध्यान को केंद्रित करो, अभी कोई नई बाइंग मत करो, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करो यार। काम करना ही है तो ऑप्शन में करो, स्टॉक को अभी मत लो, स्टॉक लेने का समय नहीं है। लो तो वो स्टॉक लो जो अंडर वैल्यू है, जो मैं आपको बताता रहता हूं, उन स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं गिरेंगे वो। देख लो मैंने जितने भी आपको स्टॉक दिलाए थे वही है साहब। तो बाजार की गिरावट से पहली चीज तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ये चीजें सब ठीक ठाक हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, FII अभी और भी माल बेच सकते हैं, कितना इन पे माल है ये सारी कैलकुलेशन मैं समय समय पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए लगाता रहता हूं, क्लास में बताता रहता हूं, ठीक है। इनके पास कितनी लॉन्ग पोजीशन है, कितना ये लॉन्ग कम करेंगे, बाजार में तेजी कब से होगी। अभी तो FII बेच रहे, अगर कल की तरह जैसे कल इन्होंने DIS ने बेचा है माल, अगर कल DIS भी बेचने लग जाए ना इनकी तरह, बाजार की हालत खराब हो जाएगी साहब, हालत खराब हो जाएगी। 19,650 का भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है बाजार में, अगर वो टूटता है फिर 19,500, फिर 19,200, 18,800 इस तरह के लेवल आपको दिखाई देंगे। लेकिन अभी जल्दीबाजी है कहना, ठीक है, अभी जल्दीबाजी है कहना। अगर फेड यानी अमेरिका की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो फिर बाजार में एक रिवर्सल आ जाएगा, ज्यादा ये बाजार को गिराएंगे नहीं। अगर ज्यादा गिराएंगे फिर इन्हें लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 19,200 तक माल खरीदा हुआ है इन्होंने, मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर ये ऊपर ले जाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर नीचे ले आएंगे, ये इसी तरह का कर्म करेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लो, कोई नई बाइंग मत करो, ऑप्शन में ट्रेड लो और मार्केट को सेल ऑन राइस की स्थिति में रखो, सारी न्यूज पर नजर रखो क्या हो रहा है विश्व में। और फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की मुझे आज्ञा दो, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली। नमस्कार।